दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हमें याद है कि बचपन में हम लोग देखा करते थे कि गांव में, हमारे मोहल्लों में, यहां तक कि आसपास के कस्बों में भी जो घरेलू महिलाएं होती थीं, खासकर किसानों की औरतें, आम लोग जो छोटा मोटा काम करते थे उनकी, वो अपने लिए चूड़ियां हर त्योहार पर्व के पहले जो पहनती थी, वो आमतौर पर किसी बड़ी शॉप से, बड़ी दुकान से नहीं आती थी, बल्कि गांव में, कस्बे में घूमने वाले चूड़ीहारों की तरफ से वो आती थी। और ये जो चूड़ीहार थे, चूड़ी वाला जिसको आजकल हिंदी में कहते हैं, हमारे यहाँ चूड़ीहार कहा जाता था, इनके बारे में चूंकि ये वर्षों से, दशकों से, हो सकता है सदियों से ये चला आ रहा था, तो हमारे इलाके में जो भोजपुरी के लोक गीत हैं, हम आज के गीतों की बात नहीं कर रहे हैं जो लोक नहीं है, उसमें लोक नहीं है, बहुत ही विकृत किस्म की मानसिकता आज के जो गाना बजाना भोजपुरी में चल रहा है उसमें है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वाकई लोक गीत थे उनमें चूड़ीहारों और ग्रामीण औरतों के बीच में एक जो भाईचारे का रिश्ता था, एक जो आत्मविश्वास और भरोसे का रिश्ता था, उसका गजब का वर्णन किया गया है। और उन वर्णनों से पता चलता है, उन डिपिक्शन से, उस नैरेटिव से पता चलता है कि किस तरह वो न सिर्फ पैसे की बात होती थी उसमें, बल्कि लेन देन के बीच में अनाज, कुछ पकवान घर में बना हुआ, वो भी चूड़ीहार को दिया जाता था। एक तरह से चूड़ीहार वो किरदार होता था ग्रामीण जीवन में, कस्बाई जीवन में, जो हर पर्व, हर त्योहार के पहले, यानी खुशी जैसे लगता है कि जो खुशहाली है किसानों के बीच में, उनकी महिलाओं के बीच में, उसमें चार चांद लगाने आया है। तो ये जो चूड़ीहार था वो इस किरदार के रूप में हमारे जीवन में, हमारे लोक जीवन में हमेशा याद किया जाता रहा। लेकिन आज वही चूड़ीहार इंदौर जैसे सभ्यता के एक बड़े केंद्र, जहां बड़े घराने संगीत के, गीत के, गायन के, बड़े लेखक, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े कलाकार, उस इंदौर शहर में एक मोहल्ले में एक चूड़ीहार को पकड़कर पीटा जाने लगता है। किस चीज के नाम पर? धर्म के नाम पर। हमारी धार्मिक संस्कृति, जो औरतें हमारे इलाके में चूड़ीहारों से चूड़ी पहनकर उनको उनकी एवज में अनाज देती थी, पकवान देती थी, पैसा देती थी, वो सभी हिंदू और मुसलमान महिलाएं होती थी, ज्यादातर हिंदू महिलाएं होती थी आबादी के हिसाब से भारत की। लेकिन आज हिंदू तो नहीं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर, पता नहीं ये कौन हिंदू है, ये कौन सा हिंदुत्व है जो हिंदू के नाम पर आया है, उसी के नाम पर धर्म पूछकर, जाति पूछकर लोगों को पीटा जा रहा है। इल्जामात बाद में लगाया जाता है, धर्म और जाति पहले पूछ ली जाती है और इसके बाद पिटाई शुरू हो जाती है। सिर्फ इंदौर तक सीमित मामला नहीं है। और मंडे को, यानी इसी सोमवार को, उस चूड़ीहार को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। बड़ी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, कई अलग अलग कार्ड उसके पास मिले हैं, कोई गहरी साजिश में अब लिप्त बताया जाएगा। पीटने वालों को हल्की फुल्की धाराएं हैं। और अजमेर, वो तो मध्य प्रदेश की तरह भाजपा शासित भी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो वो भी रहा है। इसलिए अजमेर शहर में एक भीख मांगने वाला, भीख मांगना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस देश में जहां खाते पीते लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, कौन कब भीख मांगना शुरू कर देगा, कोई ठिकाना नहीं इस देश में। तो आप भीख मांगने को अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन जो संस्कृति अपने देश में सत्ता की है, जो अर्थशास्त्र इस देश में चल रहा है, इकॉनमी जो चल रही है जिस तरह से, उसमें कब कौन क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो एक भिखमंगे को पकड़ लिया गया अजमेर में, उसका धर्म पूछकर उसको पिटाई की जाने लगी और कहा गया कि तू पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उनको सैल्यूट किया जा रहा है, जहाजों में भर के लाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो म्यांमार से भाग कर आ गए उनको आतंकी कहकर, आतंकी रोहिंग्या बाहर जाओ,
ये कहा जा रहा है कमाल का दर्शन है, कमाल का सोच है और कमाल की ये हिंदुत्व है। क्या हिंदुत्व है? क्या इसका हिंदू धर्म से कोई रिश्ता हो सकता है? जहां लोग हिंदू धर्म मानने वाले, हालांकि आज की तरह पूजा पाठ नहीं होता था उन दिनों, किसान संस्कृति को हमने देखा है कि लोग चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर गर्मी की लपलपाती लू में कोई चला जा रहा है घर के सामने से तो उसको पूछ कर लोग कहते थे भैया पानी पी के जाओ, आज तो पिटाई होने लगती है जैसे ही पता चलता है कि तुम्हारी कौन बिरादरी है। क्या बात है! लोग कहते हैं उसने जाति छुपाई, उसने धर्म छुपाया। अरे भाई, धर्म छुपाकर और जाति छुपाकर तो यहां लोग नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, धंधा चमकाने की कोशिश करते हैं। आप जाकर गिनिए शहरों की सोसाइटीज में काम करने वाली बहुत सारी औरतें मुस्लिम हैं, लेकिन वो अपना नाम संगीता, मीरा या सीता रखती हैं। क्यों? ताकि उनको कारोबार मिले। जिन घरों में वो काम करती हैं उनको भी मालूम है कि वो मुस्लिम है, लेकिन थैंक्स टू देम, ऐसे लोगों को धन्यवाद कि उन पर हिंदुत्व की ये कल्चर हावी नहीं है जिसने धर्म को विकृत किया है, जिसने धर्म को आक्रामक बनाया है, जिसने धर्म को हिंसक बनाया है। और धर्म के इस राजनीतिक मंसूबे ने, मैं समझता हूं कि धर्म की आत्मा को उनसे छीन लिया है। कानपुर में क्या हुआ? एक रिक्शे वाले के साथ उसकी छोटी बच्ची के सामने कैसे लिंच करने की कोशिश की गई? ये सारे हिंदुत्व के नाम पर बने हुए मंच और मोर्चे हैं। क्योंझर से लेकर कंधमाल, उड़ीसा, हम सब देख चुके हैं और आपने भी देखा होगा, रामगढ़ में भी देखा होगा। पहले लिंचिंग होती थी, पहले जला दिया जाता था, आजकल ये हो रहा है। इसलिए कि जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अजीब बात है, धर्म देखकर दंडित किया जा रहा है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता, बेहद प्रतिभाशाली छात्र, पीएचडी डॉक्टर उमर खालिद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आपको याद होगा। कई बार जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो गई। संगीन आपराधिक मामले उन पर दर्ज किए पुलिस ने। कहां से किए? क्योंकि पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ बहुत स्ट्रांग एविडेंस है, जबरदस्त फुटेज है उनके भाषण का, विशाला भाषण दिया उन्होंने दिल्ली दंगों के कॉन्टेक्स्ट में। वो फुटेज कहां का है मालूम है? पुलिस ने बताया अदालत को कि वो दो टेलीविजन चैनलों का फुटेज है, एक रिपब्लिक कहलाता है और एक टीवी 18 कहलाता है। जब उनसे फुटेज मांगा गया तो उन्होंने कहा फुटेज तो है नहीं हमारे पास, हमने दिखाया था जरूर। कहां से भाई मिला आपको? आपके फोटोग्राफर गए थे? नहीं, हमें तो वो आईटी सेल से मिला किसी पार्टी की। अब बीजेपी की आईटी सेल है, किसकी आईटी सेल है, लेकिन उनको मिल गया। अब आईटी सेल से मिला और इल्जाम लगा दिया पुलिस ने, कमाल की बात है। इसी तरह से भीमा कोरेगांव में हुआ, पता चला कि जिन विद्वानों पर, जिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर, जिन वकीलों पर, जिन बुजुर्ग लोगों पर सारे के सारे आरोप लगाए गए, उनमें अधिकांश के कंप्यूटर में, लैपटॉप में कुछ ऐसी चीजें इंजेक्ट कर दी गई जो उन्होंने कभी लिखी ही नहीं। पेगासस जैसा कुछ मामला था और उसका, उसकी पोल खुली अमेरिकन एक बड़ी संस्था द्वारा जो इन चीजों की एक्सपर्ट है, लेकिन भीमा कोरेगांव में लोगों को जेल में रखकर सड़ाया जा रहा है। और जो वाकई हमलावर थे वो बेरोक टोक मस्त घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये हाल है इस देश का। और आप देखिए, इसमें एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? जब कभी इस देश में सत्ता बेनकाब होने लगती है, लोगों का आक्रोश उभरने लगता है और कोई चुनाव नजदीक होता है, उस समय ये पैटर्न, ये जो फार्मूला है वो बहुत एग्जीक्यूट किया जाता हुआ दिखता है। अब चुनाव आने वाला है, सरकार बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, सरकारें, हम सरकार नहीं कहेंगे, सरकारें, तो कुछ तो करो। अभी कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन एक ही धारा, एक ही विचारधारा से जुड़े लोग कर रहे हैं और सरकारों के मंत्री उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप बयान देख लीजिए, जब घटना होती है तब तक कोई सामने एफआईआर करने नहीं आया होता है, जब गिरफ्तार कर लिया जाता है पीट पीट कर, तो गिरफ्तार होने से एन पहले या उसके बाद कोई एविडेंस जुटाया जाता है।
तो आज जब सत्ताएं फंसी हुई हैं, हम केवल पेगासस की बात नहीं करते हैं, किसान आंदोलन को लेकर, तीन कृषि कानूनों को लेकर, इस महंगाई, इस बेरोजगारी, बाजार में दुकानें बंद हो रही हैं, मॉल तो अधिकांश बंद हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, कोरोना में थोड़ा स्थगन दिखाई देता है, पता नहीं तीसरी लहर कब आ जाए, लेकिन दुकान पर दुकान बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों के, बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई और बेरोजगारी में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बढ़ेगा। लोगों के पास अपने जीने खाने की जरूरत की चीजों के अलावा ज्यादा परचेजिंग पावर, बाइंग कैपेसिटी अब नहीं रह गई है, खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में, अगर अपर क्लास को छोड़ दिया जाए तो लोग यात्राएं भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे दौर में जब 6,00,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए सरकार अपने खर्चे के लिए या न जाने किन किन चीजों के लिए, वो इस देश के हाईवे, सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन, बंदरगाह, बिजली उत्पादन के संयंत्र, वितरण के सारे का सारा मैकेनिज्म, सब कुछ जो है निजी हाथों में सौंपने के लिए उसने फैसला कर लिया 6,00,000 करोड़। और कितने करोड़ अरबों का होगा, कितने अरब उससे मुनाफा उनको मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, और अपने देश को अब तक प्रतिवर्ष कितने अरब का मिलता रहा है इसका कोई हिसाब नहीं। क्यों दिया जा रहा है निजी हाथों को? कह रहे नहीं, हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम तो राइट्स बेच रहे हैं, मालिकाना हमारा ही होगा, अलग अलग नाम बना खोज लिए गए हैं। निजीकरण, विनिवेशीकरण अब एक नया नाम है, इस ये बड़ा दिलचस्प नाम है, इसका नाम रखा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मौद्रीकरण पाइपलाइन। क्या नाम है, बेजोड़ नाम है। तो मौद्रीकरण से काउंटर करने की कोशिश हो रही है क्राइसिस को, जिस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए, कोरोना की विफलता हो, किसानों का मामला हो, इस अर्थव्यवस्था की तबाही हो जिसको खत्म किया जा रहा है, लोग ये जाने ना कि कैसे उनके एसेट्स, जिनको इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई के बाद इनको खड़ा किया गया है, उन सब चीजों को बेचा जो जा रहा है, इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए छोटी छोटी घटनाएं होती रहे, लोग उनको डिस्कस करते रहें, लोग उस पर ध्यान लोगों का डाइवर्ट होता रहे, अच्छी बात है। इसलिए सरकारों को, कानून व्यवस्था की एजेंसीज को कोई मतलब नहीं रह गया है कि भाई सुख शांति इस देश में हो। तालिबान को कोसा जा रहा है, हम भी कोसते हैं आपसे ज्यादा, लेकिन अपने यहां क्या कर रहे हैं, किस तरह का हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, जातिगत जनगणना से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों, मेरा बस ये कहना है कि जिस हिंदू धर्म, जिस मुस्लिम धर्म, जिस ईसाई धर्म को गांव, कस्बे, शहर में मानने वाले अपना अपना काम किया करते थे, कुछ साल पहले तक, कुछ दशक पहले तक एक भाईचारा था, एक रिश्ता था, एक दूसरे के त्योहार और पर्व में लोगों की हिस्सेदारी थी। चूड़ी बेचने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वो आते थे गांव में, कस्बों में, शहर के छोटे छोटे इलाकों में, तो छोटे मझोले जो परिवार होते थे, जो बहुत बड़ी इकॉनमी जिनकी नहीं है, जो बहुत खुशहाल नहीं है, साधारण लोग हैं, वो बड़ी दुकानों से चूड़ी नहीं खरीदती थी उनकी औरतें, इन्हीं लोगों से खरीदती थी। वो किसी भी धर्म के, वो किसी भी जाति को आप पूछा नहीं जाता था, उनको पकवान भी मिलता था, अनाज भी मिलता था, पैसा भी मिलता था। वो खुशहाली छीन लिया है इनके हिंदुत्व वाले, हिंदू धर्म से उसकी धर्म भावना छीन लिया है इस हिंदुत्व ने, इस हिंदुत्व ने धर्म के मानवीय सारे के सारे पहलुओं को नेस्तनाबूत कर दिया है, इसने मनुष्यता का अपमान किया है, इसने धर्म को हिंसक बनाने की साजिश रची है। ये वो धर्म नहीं है जिसको हमारा किसान हिंदू कहता है, जिनको हमारा मजदूर हिंदू कहता है, जिनको हमारा कारीगर मुसलमान कहता है। प्लीज, धर्मों का अमानवीकरण मत कीजिए, धर्मों को धारण करने दीजिए लोगों को,
लोग अपने अपने ढंग अपने अपने ढंग से लोग जीते हैं धर्म अपना। जो अधार्मिक है, जो नास्तिक है, उनको भी इस देश में अधिकार है धर्म को मानने या न मानने का। लेकिन राजनीति के मंसूबे धर्म के बीच से नहीं होने चाहिए। धर्म में राजनीति को अपने पांव नहीं डालने चाहिए। सबसे खतरनाक है जब धर्म राजनीतिक मंसूबा पाल लेता है, और आज अपने देश में यही हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.